हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 17 फरवरी दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना फाल्गुन और कृष्ण पक्ष की 12वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए अति आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना में सोसाइटियों के समिति के सदस्यों से निवेदन किया गया है कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन होना है, जिसके लिए निम्न दस्तावेज लेकर समिति में उपस्थित होवें। वे दस्तावेज हैं आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वोटर आईडी की फोटोकॉपी, समग्र आईडी की फोटोकॉपी और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी वसूली धान में जमा कराई है वे अपने क्रेडिट कार्ड समिति में आकर दर्ज कराएँ। वहीं जिन किसानों की धान की राशि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है वे किसान सोसाइटी में आकर संपर्क करें। तो इस प्रकार से सोसाइटियों से सभी किसानों को सूचित किया गया है कि सोसाइटी में आकर के एक बार जरूर मिलें। दोस्तों, देश भर के डॉक्टर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, इसके लिए उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज डॉक्टरों ने 2 घंटे काम बंद कर दिया। शासकीय डॉक्टरों के साथ संगठनों द्वारा राज्य सरकारी स्वशासी चिकित्सा महासंघ के बैनर तले यह हड़ताल की गई। इस दौरान कई स्थानों पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाने पर 17 फरवरी से इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। अब सरकार इन डॉक्टरों की हड़ताल को कैसे देखती है वह देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पर्यावरण के लिए शासन ने उठाया बड़ा कदम, इसके लिए सभी जिलों में होगा पौधारोपण कार्यक्रम। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पिछले 2 सालों से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सक्रिय रहते हैं और आए दिन अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण करते नजर आते हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 19 फरवरी 2021 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया था जो आज तक चल रहा है, और उन्होंने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि इस अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण जरूर करें। वहीं अभियान के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी जिलों में बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए पर्यावरण विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 बिना उपयोगी कानूनों को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1928 से 1976 के बीच बने 5 कानूनों को समाप्त कर दिया। इनकी जगह नए कानून आ गए हैं, ऐसे में वर्तमान में ये कानून अनुपयोगी हो गए हैं, इसलिए सरकार ने इन 5 कानूनों को समाप्त कर दिया। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीपों से जगमगाएगा उज्जैन, जिसका बनेगा रिकॉर्ड। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तीरे 18 लाख से अधिक दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसका विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इस पल के साक्षी सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई खास और आम नागरिक बनेंगे। शिव ज्योति अर्पणम नाम से होने वाले यह कार्यक्रम 0 वेस्ट कार्यक्रम होगा, जिसमें उपयोग हर सामग्री को पुनः उपयोग में लिया जाएगा, अर्थात रिसाइकल प्रोसेस होगी। दोस्तों, फरवरी के महीने में गर्म हवाओं के झोंके आएंगे, जिससे गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका है। दोस्तों, वर्तमान में उत्तर भारत में कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, वहीं राजस्थान और गुजरात में अधिकतम तापमान काफ़ी बढ़े हुए हैं। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण राजस्थान पर भी एक प्रति चक्रवात बन गया है। इस वजह से राजस्थान और गुजरात की तरफ से आ रही गर्म हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा है। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने तापमान बढ़ने के कारण गेहूँ की फसल समय से पहले पकने की बात कही है, जिसके कारण गेहूँ की गुणवत्ता के साथ उत्पादन में भी 10% तक की कमी आने की आशंका है। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि नुकसान से बचने के लिए किसानों को खेत में नमी बनाए रखने के लिए फसल में पानी देने की सलाह दी गई है। इस प्रकार सभी किसान भाई ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के बेटा बेटियों को छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए कर दी गई है। दोस्तों, अनुसूचित जाति के बेटा बेटियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा पहले 6 लाख रखी गई थी, जो कि वार्षिक थी।
अब इस सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है, जिससे विदेश में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राशन दुकानों में जो फोर्टिफाइड चावल आ रहा है वह पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। कांग्रेस ही झूठ बोल रहे हैं और जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। पिछली बार हमने पहनने के लिए जूते दिए थे तो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था कि जूतों में कैंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस ही जनता को बरगला रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। फोर्टिफाइड चावल को चाइनीज चावल बताया जा रहा है, प्लास्टिक चावल बताकर दुष्प्रचार किया। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल, कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर, कितने भ्रम फैलाएंगे आखिर। अब ये तो कुकृत्य है, पाप है, पाप। दिग्विजय सिंह की दोबारा, इसलिए पाप है ये कि आप भ्रम फैला दो तो लोग वो चावल ही ना खाएं फोर्टिफाइड, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऐसे ही एक बार इन्हें पिछले चुनाव के पहले जो हमने जूते दिए थे, कहने लगी ये पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। अब ये कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये कुटिलता है, लेकिन कुटिलता के साथ साथ ये जनता के साथ छल है, प्रपंच है, लेकिन जनता सब समझती। दोस्तों, मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार में फर्क साफ है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार दूसरे देशों से मांग रही है भीख में 100 करोड़ रुपए सालाना, वहीं मोदी सरकार दूसरे देशों को दे रही है 6,40,000 करोड़ रुपए में 470 विमानों का ऑर्डर। इस प्रकार हर क्षेत्र में मोदी सरकार नंबर 1 है, जो हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।